बलिया में प्रेम प्रसंग में एक युवती की हत्या कर दी गई। हैरान कर देने वाला ये मामला रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर गांव का है, जहां प्रेमिका के घर वालों ने प्रेमी को घर बुलाकर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार लड़की के घर वालों ने युवक को पहले फोन किया और उसे घर बुलाया। जब युवक प्रेमिका के घर पहुंचा तो परिजनों ने लाठी डंडे से बुरी तरह से पिटाई कर दी। राकेश को जमकर पीटने के बाद आरोपियों ने राकेश के परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। परिजन जब तक उनके घर पहुंचते तब तक राकेश दम तोड़ चुका था। एक हफ्ता पहले से वार्ता भई रहला प्रशासन से जी, और करीब बाद सब दोनों पक्ष पटा गया ला। और जैला के बाद कल वाली रात में 2 बजे हमारा लड़का का फोन करके बुला के लड़की से फोन करा के लड़का पूरा जबरदस्त पिटाई करके एकदम खत्म कर। बताया जा रहा है कि राकेश का अपने गांव में पड़ोस की लड़की से प्रेम हो गया था। प्रेम ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों साथ जीने मरने की कसम खाकर 28 अगस्त को घर से चले गए। हालांकि पुलिस के दबाव पर दोनों फिर से वापस आ गए और इसके बाद दोनों पक्ष ने आपस में सुलह समझौता कर लिया। लेकिन प्रेमिका के परिजनों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था और वो मौके की ताक में थे। वहीं युवक की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई। रसड़ा अंतर्गत ग्राम गोपालपुर के रहने वाले राकेश बीती देर रात्रि में अपने ही गांव के दूधनाथ के यहाँ गए थे। वहाँ पर दूधनाथ व उनके सहयोगियों द्वारा उन्हें मारा पीटा गया तथा उनके घर उसे ले जाने के लिए सूचित भी किया गया। राकेश के घर के लोग उसे उठाकर लाए तथा प्राथमिक उपचार चिलकहर में कराने के पश्चात बलिया ला रहे थे। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। घटना का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाहियां की जा रही हैं। घटना में 3 आरोपितों को अब तक हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट।